जय माता दी। दोस्तों भक्ति भजन कीर्तन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अम्बे मैया रानी की आरती पे बहुत ही आसान तरीके से ढोलक बजाना सिखाने जा रही हूँ, तो आप सब सीखिएगा और जो भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको ये बताना भी जरूरी है कि हमारे कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि घी वाला जो पार्ट होता है जिससे हमारी पतली आवाज आती है इसको हम चाटी बोलते हैं, और ये वाला पार्ट होता है जिससे हमारी मोटी आवाज आती है उसको हम बेस बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को ढीला छोड़ के आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी ढोलक मैं आपको बजा के दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बजानी है। तो आप ध्यान से देखिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमने आपको कैसे बताया है। और एक हमारी एक रिक्वेस्ट आप सब से ये भी है कि प्लीज जो भी हमारी वीडियो को आप सब देखते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख तो लेते हो पर कमेंट नहीं करते हो, और कमेंट भी करते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए आप सभी। उससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। तो प्लीज आपसे हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मैं पहले ढोलक बजा के दिखाती हूँ उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम थाप लगाते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना थाप कैसे लगाते हैं हम। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे। किसी भी लाइन को स्टार्ट करते हैं, किसी भी लाइन की हम शुरुआत करते हैं तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि हमारी लाइन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। जहाँ पे हमारी लाइन खत्म होती है तो हमें वहां पे थपकी लगानी होती है। तो थपकी का वीडियो मैंने डाला हुआ है हमारी ढोलक की, आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, उसकी लिंक हम दे देंगे तो वहां से आप थपकी भी सीख लीजिएगा। जब भी हम ढोलक को किसी भी लाइन को खत्म करते हैं तो सबसे पहले हम थाप कैसे लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब हम स्टार्टिंग करेंगे आरती की तो कैसे करेंगे, आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपने उंगलियों को आप ऐसे चलाएंगे, ये वाला जिसकी दो उंगलियां चलती है वो दो से, जिसकी तीन चलती है वो तीन से, सबसे पहले क्या करेगा ऐसे करना है और उसके बाद ऐसे। अगर 1-2 करके आप बजाना चाहोगे तो 1-2 करके भी सीख सकते हो, और अगर ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट होता है उस पे आपको दो बार किनारे मारना है, दो बार आपको खुला और एक बार बीच में बंद, और बिल्कुल आपको क्या करना है, इस पार्ट को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे और बिल्कुल किनारे वाले पार्ट पे आपको ढोलक बजानी है। अगर बीच में बजाओगे तो ढोलक की दमदम आवाज आएगी, अच्छी नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल किनारे ही हाथों को मारना होता है, आप बिल्कुल किनारे प्रेस करेंगे और उसके बाद दो बार यहाँ, एक बार बीच में। आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको स्टार्टिंग करनी है यहां से, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। आपको अगर जय अम्बे गौरी पे प्रैक्टिस करनी है तो इस पे भी आप कर सकते हो, और अगर अम्बे तू है जगदम्बे काली इस माता रानी की आरती पे प्रैक्टिस करनी है तो इस पे भी आप कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आप एक बार यहाँ पे भी आपको बताती हूँ, आप देखिएगा, जय अम्बे गौरी, तो आपको धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी, जय अम्बे गौरी। तो जब जय अम्बे गौरी हम बोलेंगे, जय अम्बी गौरी बोलने के बाद जब आपकी लाइन ये खत्म होगी तो बीच में आप ऐसे करके,
यहाँ पे बताती हूँ, ऐसे करके आप बीच में थपाक लगाएंगे, ऐसे करके आपको बीच में थपकी लगानी है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, बस आपको ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। और आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको कंटिन्यू नहीं लेना है, कंटिन्यू एक साथ ही दूसरी लाइन को उसके साथ नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपको एक लाइन बोल के फिर उसके बाद थोड़ा रुक के पाक दे के उसके बाद फिर आप दूसरी लाइन बोलेंगे जय श्यामा गौरी, ठीक है। और अम्बे तू है जगदम्बे काली पे भी आपको ऐसे ही करना है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हम सब उतारे तेरी आरती। तो हो मैया, जैसे आप देख रहे हो मैया निकल रहा है, तो ये दूसरी लाइन ऐसा लग रहा है कि दूसरी लाइन है, तो वहां से आपको वहां पे बीच में थपाक लेना है, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे गब्बर वाली, तेरे ही कूड़े गाई भारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। उसके बाद फिर जब दूसरी लाइन बोलेंगे तो आप बोलेंगे तेरे जनों पे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, तेरे जनों पे भक्त जनों पे भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी भारी, दानो दल पे टूट पड़ो माँ, दानो दल पे टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टे भुजाओं वाली दुखियों के वैसे ही प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है आपको। और आपको ध्यान बस यही देना है कि आपको जो हाथ है आपके तो आपको ऐसे ही प्रेस करने हैं, अगर आप कंटिन्यू ऐसे ही प्रेस करोगे जैसे कि अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, उसके बाद फिर आप बीच में ऐसे ऐसे थपाक दोगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करोगे हाँ, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानो दल पे टूट पड़ो माँ, दानो दल पे टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्टे भुजाओ वाली दुखियों के दुखड़े निवारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो आपको बस ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप 1 2 3 4 4 करके फोर काउंटिंग में अगर सीखना चाहते हैं तो फोर पे आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको ये इजी लगे सीखना तो आप ऐसे सीखिएगा, कैसे करना है आप देखिएगा ध्यान से। वन में आपको क्या करना है, वन में ये तीन उंगली मारनी है और ये वाला था आपका हाथ वहीं पे प्रेस करना एक साथ दोनों को, वन, और टू में ये वाली उंगली मारनी है और थाप को कंटिन्यू वहीं पे प्रेस करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो थाप दो लगानी है और एक बीच में, दो किनारे एक बीच में, और हाथ को 1 2 3 1 2 3 तो 1 2 3 करके भी आप सीख सकते हो, 1 2 3 4 करके भी आप सीख सकते हो। तो आपको आरती की हर लाइन पे ऐसे ही ध्यान देना है कि जहां पे वो लाइन खत्म होती वहां पे आपको कंटिन्यू 5 या 6 बार आपको थपकी लगानी है, ठीक है फ्रेंड। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो एक बार फिर से मैं आपको बजा के बताती हूँ, आप सुनिएगा। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, वाली दुष्टों को पल में मां का रहती हो
मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मां, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मां, हम तो मांगे मां तेरे मन में, हम तो मांगे मां तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सब पे बिगड़ी बनाने वाली, अमृत बरसाने वाली, सतियों के सत्य को सावारती हो मैया, हम सब प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे फिर से बताती हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। आप देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको दो बार यहाँ और एक बार बीच में मारना है, वैसे इस वाले हाथ से भी बताया कि सबसे पहले आपको दो या तीन उंगली जो भी आपकी चलती है तो सबसे पहले आप उससे करोगे प्रेस, उसके बाद ये वाली उंगली से करोगे। ऐसे बस सिंपल है, बिल्कुल आपको बस ढीले हाथ रख के जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे ही करना है, वैसे करना है। 1 2 अगर आपको नहीं आ रहा है सी उंगलियां चलाना थोड़ा मुश्किल होता है और थाप आसानी है, तो उंगलियों की प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे बैठ के जरूरी ढोलक पे ही करें, आप अपने पैरों पे दरवाजों पे कहीं पे भी आप फ्री जब भी होते हैं, तो हमेशा तो हम ढोलक पे नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको आराम से धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है उंगलियों की। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बस 1 2 1 2 करके करनी है, बहुत आसान है, आराम से आपको आ जाएगा, और जल्दबाजी नहीं करना। हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, और जब भी आपको ढोलक की प्रैक्टिस करनी है तो आपको भजन जरूर साथ में गाने हैं, या माता रानी की कोई आरती हो, या कोई भजन हो, या फिल्मी सॉन्ग हो, कुछ भी हो, उस पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो और आप ढोलक भजन दोनों साथ में गा और बजा सके। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अगर हो सके तो शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, और जो भी समझना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।